क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार यूपी की विधानसभा में चुनकर आए नए विधायकों में 51% दागी हैं। भाई माल हो तो कमाल तो हो ही जाता है, पहली। दूसरी चीज, जब आदमी अपने शिखर पे पहुंच जाता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, वकील हो, इतना मोह राजनीति से क्यों क्यों आना चाहते हैं? इसका बड़ा सही उदाहरण और व्याख्या दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक की एक लाइन है कि यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम, यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब आप जो जो चीजें सोचते हैं और जो आप अपने प्रोफेशन में नहीं पा सके हैं वो आपको राजनीति में मिलेगा। मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा जी, इसमें समस्या ये है, जब भी मैं राजनेताओं से बात करता हूं या पार्टी के अध्यक्षों से बात करता हूं इस मसले पर, तो वो लोग कहते हैं अग्निहोत्री जी क्या करें, जनता ही जिताती है, जनता जिताना बंद कर दे, हम टिकट देना बंद कर दें। जनता से पूछता हूं कि चाचा ऐसा क्यों करते हो, वो कहते भैया सब पार्टियां इसी गुंडा मवाली खड़े करती, तो बताओ किसे वोट दें। तो उसमें जो गुंडा अपना मोहल्ले पड़ोस का जात बिरादरी का लगता है उसी ठप्पा मार देते हैं। ये बड़ी समस्या है। जनता राजनीतिक दलों पर टोपी ट्रांसफर कर रही है और राजनीतिक दल जनता पे, और इस टोपी ट्रांसफर में मजे ले रहे अपराधी। मिश्रा जी, देखिए अमिताभ जी, थोड़ा प्रिंसिपल बेस्ड इसकी एनालिसिस करनी होगी, जनरल नहीं। सभी पार्टियों का एक ही हाल है। पहले ये था 30-35% सुनते थे कुछ साल पहले तक कि दागी लोग पहुंचे हैं, 45 हुआ और अब अगर 51 हो गया तो लग रहा है जैसे पूरे पुणे में ही भांग मिला दी गई है। जो बात आपने बोली कि जनता और नेता, देखिए डिमांड और सप्लाई की जरा एनालिसिस करिए। पॉलिटिकल पार्टियों में या राजनीति में डिमांड किसकी सबसे ज्यादा है? सुपीरियर क्वालिटी के मेटेरियल की कोई डिमांड नहीं है साहब, मैं आपको बता दूं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। हाँ, इंफीरियर क्वालिटी के जो मेटेरियल होते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं, वो फंड भी दे देते हैं, 10-20 लोग उनके साथ चलते हैं, बहुत तरीकों के जो मैनेजमेंट होते हैं बाहुबल का प्रयोग करते हुए वो कर लेते हैं। कुल मिलाकर के चुनाव में जीत की गारंटी वो ज्यादा देते हैं, वो गारंटी वारंटी वाला जो फंडा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां तो इसलिए लेती हैं कि अल्टीमेटली उनको चुनाव जीतना है। दूसरी चीज, आप सप्लाई देखिए, इसके लिए जनता भी उतनी ही दोषी मैं मानता हूं। सप्लाई ये है, आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, कौन पढ़ा लिखा आदमी आज राजनीति में जाना चाहता है या राजनीति में एक्टिव होना चाहता है? जहां 100% या 80% के ऊपर वोटिंग ना होती हो, 50% 60% पे वोटिंग जो है सिमट जाती हो, तो आप वहां से क्या उम्मीद करेंगे? ये दिखाता है कि हमारी जनता राजनीति की तरफ अभी इंटेलेक्चुअल वे में जागरूक नहीं हुई है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई जो टोपी पहनाने वाली की, जनता टोपी उनके ऊपर, वो पार्टियां उनके ऊपर पहना रही है। ये कहावत है साहब की, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जनता की अपनी मजबूरियां हैं, पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। कमी कहीं ना कहीं जब संविधान बन रहा था वहां पे एक लेकुना छोड़ दिया गया कि भाई एक क्लर्क की नौकरी लेनी है और FIR दर्ज है तो आप फार्म नहीं भर सकते हो जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। लेकिन राजनेताओं के लिए इतनी सहूलियत दे दी गई है, देवता बना दिया गया है कि अभी तो कोर्ट में जी केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, 25 साल तक कोर्ट चलेगा, 30 साल तक चलेगा, तब तक यहाँ पे मंत्री मिनिस्टर बन करके लोग फौत हो जाते हैं, स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और उसके बाद केस बंद हो गया, क्या हो गया? न्याय व्यवस्था को ये हार्ड कोर जो है एक्शन लेना पड़ेगा, व्यवस्था को लेना पड़ेगा कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन ले, चाहे कार्यपालिका ले, विधायिका ले, कोई भी ले जो इसमें डिसीजन, उनको हार्ड कोर एक झटके में डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक बात कही एके मिश्रा आपने। ये चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? ठीक, क्योंकि इतने में 25-30-40 साल लग जाते, भगवान का आशीर्वाद है भारत की न्याय व्यवस्था पे इतना, और थोड़ा माल हो तो। मैं नहीं कह रहा, वर्मा जी जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कह गए कि आपके पास माल हो तो आप अपने लिए न्याय की व्यवस्था भले ही ना कर पाओ लेकिन दूसरे को तो न्याय नहीं मिलने दोगे पीढ़ियों, उतना अच्छा है भारत में, फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या हम माने जनता की अदालत और कानून की अदालत, किसका फैसला मान्य होना चाहिए अपराधियों के संदर्भ में राजनीतिक उसमें? भाई
भाई माल हो तो कमाल तो हो ही जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आदमी अपने शिखर पे पहुंच जाता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, वकील हो, इतना मोह राजनीति से क्यों क्यों आना चाहते हैं? इसका बड़ा सही उदाहरण और व्याख्या दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक की एक लाइन है कि यम यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम, यम यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब आप जो जो चीजें सोचते हैं और जो आप अपने प्रोफेशन में नहीं पा सके हैं, वो आपको राजनीति में मिलेगा, माल भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। आप मरते रहिए, एक पुलिस वाला आपके घर पे नहीं आएगा, आपका घर लुट जाए, लेकिन फिर आपको ब्लैक कैट कमांडो जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी, ये तो कहीं नहीं मिलता है। अब रही बात जो आपने बोला कि माल हो तो कमाल हो ही जाता है, अब उसके पीछे कारण है। मैंने पहले ही बोला कि आपके ऊपर कोई घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। अब लैकुना ये है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में ऐसी चीजें हैं कि 30 साल में न्याय होगा, आप दोषी ठहराए जाएंगे कि नहीं ठहराए जाएंगे, उसमें भी 3 साल से ऊपर की सजा होती है तब जाके आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। राजनीति एक ऐसा जबरदस्त सुरक्षा आवरण प्रदान कर देता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी हो चाहे जो हो, स्पेशली बाहुबली और अपराधियों के लिए तो अभेद किला बना देता है कि कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अपराधियों की मजबूरी हो जाती है कि अगर उनको बचना है, सुरक्षित रहना है, तो आप नेतागिरी में जाइए, इसीलिए वो टिकट उकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो चीज पूनम देवी ने बोली है। अब इसमें देखिए, त्याग कौन करे, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, राजनीतिक पार्टियों की मजबूरियां हैं, ऐसे कैंडिडेट चुनाव में जिताऊ होते हैं, और जनता भी थोड़ा सा उसमें, जनता की भी कमी है कि जनता ऐसे लोगों को बड़ा फीलिंग वे में लेती है, जो फीलिंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं वहां पे भी जनता को क्षणिक सुख मिलता है, भले ही वो मंत्री मिनिस्टर जीत करके बन जाने के बाद जनता का शोषण करेगा। एक अपराधी जब जाएगा तो सबसे पहले वो अपने अपराध को हटवाने की कोशिश करेगा, जब वो मंत्री और मिनिस्टर बनेगा अपने आप को सुरक्षित करता है, जनता को नहीं करता है। तो एक चैन बन जाती है कि एक अपराधी जब फील्ड से निकल के सदन में पहुंचता है तो और बड़ा वो क्राइम करने लगता है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा योगी है, ऋषि है, महापुरुष है जो कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे? ना तो अभी सत्तासीन पार्टी ये निर्णय ले सकती है, ना कोई ऐसा नियम कानून बन सकता है। जनता की अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी पसंद होती है, उसको कौन इंटरटेन ज्यादा करता है वो देखता है। तो ये एक बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, इसमें तो एक ऐसे पुरुष की मुझे तलाश है जो जो प्रथम त्याग करने को तैयार हो।